फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली पनीर की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होगी। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, मैदा, कॉर्नस्टार्च, लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम पनीर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच मैदा डालेंगे, एक चम्मच कॉर्नस्टार्च और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम जब सॉस बनाएंगे तब भी हमें नमक डालेंगे, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ। आप भी इस बात का ध्यान रखें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि अच्छी तरह से इस पर कोट हो चुका है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। चला दी मैंने। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम पनीर डालेंगे इसमें। अब इसे हम पलट के दूसरी तरफ से ही फ्राई कर लेते हैं। पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, अदरक जिसे ग्रेट किया हुआ है, हरी मिर्च, इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब हम डालेंगे प्याज। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। मैंने 3 तरह की शिमला मिर्च ली है, ग्रीन, येलो एंड रेड। इन सभी को हम फ्राई कर लेते हैं। शिमला मिर्च और प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे बस इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस। चिली सॉस, टमाटो केचप, लाल मिर्च जिसे मैंने पानी में घोल लिया है, इसे हम डाल के फिर पकाएंगे थोड़ा। जैसे ही हमारी सॉस पकने लगेगी, अब इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। पनीर जो हमने फ्राई किए थे वही डाल रही हूँ मैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप ध्यान रखें, सोया सॉस में भी नमक होता है, पनीर में भी हमने नमक मिलाया था फ्राई करते समय, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें इसमें, ये तो नमक आपका ज़्यादा हो सकता है। पनीर पे हमारी सारी सॉस कोट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च। ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च में पानी डाल के मिक्स किया है। इस तरह से आप मिक्स कर लें और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे अब हम पकाएंगे।
हमारा चिली पनीर बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये स्पाइसी और टेस्टी सा चिली पनीर बनके रेडी हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।